ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जमाखोरी के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और आप विधायक दिलीप पांडे समेत कई नेताओं से पूछताछ की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मई को एक याचिका पर जांच का आदेश दिया था। श्रीनिवास से दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ आज 25 मिनट चली। कोरोना इस लोगों को आपको कैसे मदद कर रहा है करके उसके बारे में वो लोग ने पूछा है, हमने उसके लिए जवाब दे दिया है। वहीं कांग्रेस ने इसे मददगारों को परेशान करने की साजिश बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना से भी ऑक्सीजन और दवाएं बांटने के स्रोत पूछे। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा, विपक्ष बेवजह है राजनीतिकरण न करे, दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा, हमने सारी डिटेल्स दी है, मैं अपनी क्षमता से दिल्ली और यहाँ के लोगों की सेवा करता रहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टीम जो है क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तमाम उन लोगों के जो लोगों की मदद कर रहे हैं उनके पास गई है, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देना बहुत गलत बात है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने पुलिस पूछताछ पर कहा कि इस तरह की जांच से कोरोना मरीज की निस्वार्थ सेवा करने वालों का हौसला टूटेगा। देश में कोरोना की तीसरी वैक्सीन लगाने का काम आज से शुरू हो गया। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज आज हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब में कस्टम फार्मा सर्विसेज के हेड दीपक सापरा को दी गई। इसी के साथ स्पुतनिक वी की मार्केटिंग देख रहे आरडीआईएफ ने बड़ा ऐलान किया, भारत को इस साल स्पुतनिक वी की 85 करोड़ डोज मिलेगी। स्पुतनिक वी की अधिकतर डोज का उत्पादन भारत में ही होगा। रूस स्पुतनिक वी लाइट वैक्सीन भी भारत में जल्द लॉन्च करेगा। स्पुतनिक वी लाइट की दो नहीं सिर्फ एक डोज ही लेनी होगी। भारत में स्पुतनिक वी की अब तक 3,00,000 डोज उपलब्ध हो चुकी है। स्पुतनिक की कीमत भी तय हो गई है, इसकी एक डोज की कीमत 995.40 रुपए तय की गई है। भारत में उत्पादन शुरू होने के बाद इसकी कीमत में कमी आने की उम्मीद है। स्पुतनिक वी को 90% से ज्यादा कारगर माना गया है। इसकी दो डोज का अंतराल 21 दिन का होगा। वैक्सीन अगले हफ्ते तक राज्य सरकारों और अस्पतालों के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी की। इसके तहत करीब 19,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने कोरोना काल में किसानों को दी गई सहायता राशि, भारत में कोरोना की दूसरी लहर और देश में जारी टीकाकरण को लेकर भी बात की। उन्होंने कोरोना संक्रमण के गाँव तक पहुँचने पर चिंता जताई। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है, इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने संकट काल में कालाबाजारी करने वालों पर राज्यों से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। ऑक्सीजन समस्या पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक से प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, देश कोरोना से लड़ेगा और जीतेगा। वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्यों को देने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला किया और जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केंद्र की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन केंद्र को खरीदना चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को देनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाया जिसकी सजा देश भुगत रहा है। कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने ऑक्सीजन की कमी के आरोप पर केजरीवाल सरकार को भी घेरा। आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी उसको रिपोर्ट में कैद किया है और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कल ही कहा था कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन वाली कॉलर ट्यून पर कड़ी टिप्पणी की और इसे परेशान करने वाला बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो आप कब तक इस कॉलर ट्यून के संदेश के जरिए लोगों को परेशान करेंगे। जस्टिस विपिन सिंघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा
कि फोन पर चिड़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए। कौन लगाएगा वैक्सीन? आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं तो लगाएंगे क्या? इस संदेश का मतलब क्या है? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को जागरूकता फैलाने को लेकर सलाह देते हुए कहा कि उसे जमीनी हालात को देखते हुए बर्ताव करना चाहिए, साथ ही अलग अलग संदेश तैयार करने चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो 18 मई तक बताए कि टीवी, प्रिंट और कॉलर ट्यून के जरिए कोविड मैनेजमेंट पर जानकारी प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कल 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। देश में अब 2,79,599 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में संक्रमण के 3,43,144 नए केस आए, जबकि 3,44,776 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 4,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में 8,506 नए केस आए, 14,140 लोग इलाज से ठीक हुए, जबकि 289 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रामलीला मैदान में तैयार किए गए 500 बेड के अस्थायी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में दिल्ली वालों के अनुशासन का असर दिख रहा है। दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफी कम हो गई है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला सामने आया है। लखनऊ में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती एक महिला मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। मरीज को सोमवार को यहां आंख और नाक के पास सूजन के बाद इलाज के लिए भर्ती किया गया था। वहीं यूपी में योगी सरकार ने एसडीआरएफ और पीएसी को नदियों में पेट्रोलिंग के आदेश दिए हैं और जो भी नदी में शव फेंकते पाया जाएगा उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यूपी में 15,747 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 312 मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में 26,179 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में आज ईद उल फितर और अक्षय तृतीया की धूम रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ईद उल फितर के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। हर किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। हम सभी की कोशिशों से इस वैश्विक महामारी को मात देंगे और मानवता के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। ईद मुबारक। हालांकि ईद के मौके पर कई जगहों पर मस्जिद में नमाज के लिए भारी भीड़ देखी गई। मुंबई, अमृतसर, राजस्थान के डूंगरपुर और यूपी के सहारनपुर में लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ नमाज पढ़ा। भीड़ में न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था, बेहद कम संख्या में लोगों ने मास्क पहना था। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।